ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू 2018 इसुजू MUX। जी हाँ दोस्तों, अब गाड़ी लॉन्च हो गया है, इसका जो नया वर्जन है फेसलिफ्ट है वो लॉन्च हो गया है, तो यहाँ पे उसी के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको इंटीरियर एक्सटीरियर सारे फीचर स्पेसिफिकेशन चेंजेस सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा इस वीडियो में। आप अगर पहली बार ज्ञानी इनफ को विजिट कर रहे हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसमें कि आगे जो भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। गाड़ी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। साथ में आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप इसकी अगर टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसकी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हो घर बैठकर। किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना है तो आप मोर देन वेलकम है, ज़रूर बताइए, उसको मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। वैसे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन आप चेक कर सकते हो जाके चैनल पे। तो अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पास और जिसका डिटेल रिव्यू है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप ऑल न्यू 2018 इसुजू MUX का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख रहे हैं, तो फ्रंट का आप अच्छे से पूरा लुक ले सकते हो। 2018 वेरिएंट है जो फेसलिफ्ट आप बोल सकते हो, जो अभी लॉन्च हुआ है फेस्टिव सीजन के लिए, तो यहाँ पे आपको इसके फ्रंट का आइडिया लग रहा होगा अच्छे से। चलते हैं पास में और जो पहले पास का एक प्रोफाइल है जैसे मैं हमेशा आपको शो करता हूँ एक राउंड अबाउट, वो आप देख सकते हो फ्रंट का, तो अच्छे से पूरा आपको चेंजेस का आइडिया लगेगा। नीचे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रोम इंसर्ट और आपका जो फॉग लैंप है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जो इसके फ्रंट को बहुत ही ब्यूटिफाइड लुक दे रहा है, जो क्रोम का हैवी यूसेज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो आपने हेडलैम्प्स देखते हैं तो बहुत ही फेयरली आपको स्टाइलिश हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए जाते हैं। DRLs का यूज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं जो वी शेप में प्रोवाइड किया गया, एक आपको इलॉन्गेटेड DRL दिया गया है। यहाँ पे जो इसकी ग्रिल है वो आप देख लीजिए, तो पूरा क्रोम की आपको हैवी ग्रिल प्रोवाइड की गई है, जो इसुजू की ब्रांडिंग है ये भी आपको मिलती है क्रोम के ऊपर। और इसके बारे में आपके जो व्यूज़ हैं वो अवेटेड रहेंगे, तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रंट का दोस्तों आपको अच्छे से पूरा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, जो फ्रंट है वो आपने अच्छे से पूरा देख लिया है। अब चलते हैं साइड में और जो इसका साइड लुक है वो यहाँ पे देख लेते हैं, तो साइड का भी आपको कंप्लीट एक पूरा व्यू यहाँ पे मिलेगा। जो इसका साइड प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फुल ब्लोन SUV है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ह्यूमंगस SUV है इसुजू की तरफ से। और जो लोग भी ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं वो अपने व्यू ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है। इसके जो व्हील्स हैं दोस्तों वो आपको शो कर देते हैं, तो आपको इसमें ब्रिजस्टोन के 18 इंच के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आप सिल्वर फिनिश और पियानो फिनिश है वो यहाँ पे देख सकते हो, तो बहुत ही ह्यूमंगस व्हील जैसे कि पूरी गाड़ी है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो आपके फुट स्टेप्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एक हाइटेड गाड़ी है तो अंदर जाने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ये कन्वीनियंस फीचर है, और अंदर जाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी। और इसके जो आप ORVM है वो देख लेते हैं, तो क्रोम का यहाँ पे यूसेज आपको देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेटर इंसर्ट हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। डोर हैंडल्स भी वैसे ही हैं जैसे आप देख रहे हैं, पूरा क्रोम फिनिश पे ही दिए गए हैं, जैसे कि इसके ORV में आपने क्रोम फिनिश देखी है। अब थोड़ा सा जो इसका साइड प्रोफाइल है पीछे की तरफ से वो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो अच्छे से पूरा आपको लुक यहाँ पे मिल रहा है ऐसा मेरा सोचना है। ऊपर आपकी जो रूफ रेल है आपको डुअल टोन पे प्रोवाइड करी गई, ये आप देख सकते हो सिल्वर और ब्लैक फिनिश के ऊपर। बाकी जो आपका शार्क फिन एंटीना है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इधर आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आपको अच्छे से पूरा लुक मिल गया होगा। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और जिसका बैक प्रोफाइल है वो यहाँ पे देख लेते हैं, तो बैक का भी आप कम्प्लीटली पूरा लुक यहाँ पे ले सकते हो नीचे तक, तो आप अच्छे से पूरा यहाँ पे प्रीव्यू ले रहे हैं इसके बैक का। तो यहाँ पे जो इसुजू की ब्रांडिंग है, MUX की ब्रांडिंग है, सब कुछ आपको दिया गया है क्रोम पे। यहाँ पे जो प्लेटिंग है ये भी आपको क्रोम पे दी जाती है। बाकी जो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर आपका जो स्पॉइलर है आपको दिया गया है डुअल फिनिश के ऊपर। आपका जो हाई स्टॉप लैम्प है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी जो आपका डिफॉगर है वो आप देख रहे हो। आपका जो रियर वाइपर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो इसका टेल लैम्प है तो ये आप देख लीजिए, तो बहुत ही स्टाइलिश बोल सकते हैं टेल लैम्प दिया गया है। और इसका जो लुक है गाड़ी से बहुत बढ़िया मैचिंग पे है, और मेरे को भी स्पेशली ये जो क्लस्टर है बहुत बढ़िया लग रहा है। जल्दी से जो इसकी टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं और जो इसकी स्पेसेस हैं वो देख लेते हैं, तो आइडिया लगेगा थोड़ा सा स्पेसेस का। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जो थर्ड रो है वो उठी हुई है, तो स्पेसेस का आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हो, तब भी आपके यहाँ पे 2-3 बैग आराम से आएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो आपके हुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, कस्टमर कन्वीनियंस फीचर बोल सकते हो, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इधर भी आपको एक हुक देखने को मिल रहा है। स्पेस बढ़ानी है तो अपना आप खाली ये जो पुलर है ये आपको ऐसे पुल करना है और अपनी जो स्पेसेस हैं वो बढ़ा सकते हो। ये देख रहे हैं आप जो सीट है वो फोल्ड हो गई है और आपकी स्पेसेस बढ़ जाएंगी। बाकी इसको वापस से अभी लगा लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों जिसका टेल गेट है, जो स्पेस अंदर की है, वो मैंने आपको शो कर दिया, रिवर्स कैमरा मैंने शो कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के दूसरी साइड, और इसका जो इधर का लुक है, जो जनरली आप ड्राइवर साइड बोलते हो, तो इधर का भी आप पूरा व्यू यहाँ पे ले सकते हो। एक्सटीरियर का दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे सब कुछ शेयर कर दिया है। एक्सटीरियर का मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सारे आपको फीचर स्पेसिफिकेशन साइड्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिल गए होंगे अगर आप वीडियो अभी तक पूरा देख रहे हैं। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आराम से बात करेंगे कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या एडिशंस हैं। तो उससे पहले, जैसे मैं हमेशा आपको शो करता हूँ बाहर से पूरा जो लुक है वो मैं आपको दे देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देख लो, जो कीलेस का पैच है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो डैशबोर्ड है दोस्तों वो आप यहाँ पे अब देख सकते हो। तो बाहर से जैसे मैं हमेशा आपको शो करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मेजरली सिंगल टोन देखने को मिल रहा है, बीच बीच में सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, पियानो इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो इसको एक बहुत ही बढ़िया फील देते हैं, रिफ्रेशिंग फील देते हैं पूरे इसके इंटीरियर को। यहाँ पे आप कंप्लीट इसका व्यू ले सकते हो। अब जो इसके डोर हैं वो आप देख लीजिए पूरा, तो यहाँ पे आपको जो डोर पॉकेट्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। स्टिच फिनिश आप यहाँ पे देख सकते हो, पियानो फिनिश के बीच में आपके जो कंट्रोल्स हैं, पावर विंडोज़ के फ्रंट वाला आपको मिलता है, ऑटो डोर लॉक हो गया आपका, विंडो लॉक हो गया, वो बटन से यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। डोर हैंडल आपको दिया गया है क्रोम फिनिश पे। जो इसकी सीट एडजस्टमेंट्स हैं आपको मिलती हैं ऑटो, ये आप देख सकते हो, तो कस्टमर कन्वीनियंस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे जो इसकी आप सीटिंग है वो आप देख सकते हो, तो पूरी फेयरली आपको न्यू सीटिंग यहाँ प्रोवाइड करी गई है और ये बहुत बढ़िया लग रही है। इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इसका जो एक बाहर से लुक था वो पूरा शो कर दिया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे आराम से बात करेंगे कि अंदर आपको क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। उससे पहले जो इसकी मैं की है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप जो इसकी की है वो देख सकते हो, तो सिल्वर और ब्लैक फिनिश के बीच में की प्रोवाइड करी गई है। इसुज़ू की ब्रांडिंग है वो आपको दी गई है, बाकी जो लॉक अनलॉक बटन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों अब मैं इसुज़ू MUX के अंदर आ गया हूँ, जो 2018 फेसलिफ्ट मॉडल है, और आप यहाँ पे अच्छे से पूरा जो इसका डैशबोर्ड है वो देख रहे हैं, जो फ्रंट लुक है वो आप देख रहे हैं, तो अच्छे से आप पूरा व्यू यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो बटन्स थी सारी बता दी आपको। इधर आपका जो ऑडियो एडजस्टर है, आपका जो हिल डिसेंट कंट्रोल है, नीचे आपके जो पुलर्स हैं आपके बोनट के, और आपका जो फ्यूल लिड है उसके लिए वो पुलर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इधर आप देख रहे हैं तो आपके जो कप होल्डर्स हैं वो आपको दे दिए गए, एसी के सामने दिए गए, तो कुछ हद तक कूलिंग फंक्शनलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इधर आप देखते हैं पियानो इंसर्ट्स पे आपके जो एसी वेंट्स हैं वो दिए गए, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिल रही है। ऊपर का डैशबोर्ड है वो पूरा मैं आपको शो कर देता हूँ, तो इधर अच्छे से आपको पूरा आइडिया लगेगा इसके डैशबोर्ड का। गाड़ी के डिजाइन के हिसाब से अच्छी खासी इसकी विथ दी गई है, और इतना कोई ब्रॉड डैशबोर्ड नहीं दिया गया है, ये शायद कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और इसकी लिड भी यहाँ पे दे दी गई है। इधर भी आप अपने जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो देख सकते हो, तो अच्छे से आप पूरा यहाँ पे लुक ले रहे हैं इसके डैशबोर्ड का। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो RPM मीटर है, आपका जो MID है, आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नॉर्मल सिग्नलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो आप सामने देख रहे हो, आपका जो डिस्टेंस टू MT है, टेम्परेचर है, फ्यूल गेज है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। व्यूइंग आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा मेरे कैमरे के थ्रू। यहाँ पे जो आपका टॉगल है वो देख लीजिए, तो आपका जो वाइपर का टॉगल है वो आपको यहाँ पे दिया गया। इधर जो बटन है आपके MID कंट्रोल के लिए है, यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर और जो लाइट है वो आप देख रहे हो। इधर भी आपका जो बटन है MID के कंट्रोलिंग के लिए दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। जो इसकी स्टीयरिंग है वो मैं आपको शो कर सकता हूँ यहाँ पे अब, और जो दो टोन में स्टीयरिंग प्रोवाइड करी गई है, सिल्वर फिनिश और ब्लैक एंड फिनिश। यहाँ पे जो आपके सेवरल कंट्रोल्स हैं वो आप देख रहे हैं, जो आपके मीडिया कंट्रोल्स हो गए। इधर आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। जो इसका मिडिल पोर्शन है दोस्तों, अब अच्छे से उसका पूरा व्यू ले सकते हो यहाँ पे, तो अच्छे से पूरा आपको लुक मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका मिडिल है पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो AC वेंट्स आप देख सकते हो इलॉन्गेटेड वे में दिए गए हैं आपको। इधर आपका जो हैजार्ड लाइट का बटन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। इसका मैंने जो पुराना मॉडल आता था उसका मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू करा हुआ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन वो भी चेक कर सकते हो, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो बटन है उसके बारे में बात कर लेते हैं अगर, तो आपका मेन्यू डिस्प्ले हो गया, ट्रैक वगैरह आगे पीछे करना है सीख हो गया, इसके अलावा जो आपका पावर बटन है, वॉल्यूम है, इसके अलावा आपका जो आपकी डिस्क है वो आप यहाँ पे इजेक्ट और इंसर्ट कर सकते हो। सामने आप देख रहे हैं तो ये टच पे भी आपको प्रोवाइड किया गया, टच फंक्शनलिटी भी आपको इसमें मिल जाती है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर नीचे आते हैं तो आपका जो USB इंसर्ट पॉइंट है और जो ऑक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि USB से कुछ प्ले करना, आपके USB में कोई म्यूजिक वगैरह वो आप प्ले कर सकते हो, मोबाइल में कोई म्यूजिक है तो ऑक्स से कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो। नीचे आप देखते हैं आप दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका AC कंट्रोलिंग है वो आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही बढ़िया हाईलाइट है इस गाड़ी का, जो ये पूरा राउंडेड डिजिटल डिस्प्ले आपको दिया जाता है। आपने स्विफ्ट में भी ऐसा डिस्प्ले देखा होगा, तो उसी तरीके का ये भी है, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड दिया गया है, तो गाड़ी के लुक्स में ये बहुत अच्छा एडिशन है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे नीचे देखते हैं अगर, तो आपको शायद एक और USB प्रोवाइड करी गई है। अभी मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी नीचे की तरफ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है USB आपकी। और इसके अलावा जो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको दे दिया गया है।
यहाँ पे आप देखते हो तो आपका जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो आपको दिया गया है इधर, तो इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो शिफ्ट लॉक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिनिश आप देखते हैं पूरी पियानो, और जो क्रोम इंसर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लुक इसका बहुत बढ़िया आता है जो पूरा ये फ्लोइंग वे में पूरा यहाँ पे जो क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं जो आपके जो 4x4 कंट्रोल्स हैं, 2 हाई 4 हाई 4 लो, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। रोटरी नॉब दी गई है। इधर आपके हैं 2 कप होल्डर्स, साथ में इसकी बोर्डिंग के लिए यूज करा गया है क्रोम। यहाँ पे जो आपका आर्मरेस्ट है ये आपको फिक्स्ड मिलता है, मूवेबल नहीं मिलता है, और इसको इसके स्पेसेस हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो डीप भी दिया गया है, तो अच्छी चीज है ये। को मैं बंद कर देता हूं। अब दोस्तों जो इसका को ड्राइवर साइड है वो आप यहां पे देख सकते हो, तो आपको यहां पे जो डुअल ग्लव बॉक्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो आपको मैं पूरा ये ओपन करके शो कर देता हूं। और यहां पे जो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बढ़िया लगता है। स्पेसेस वाइडली आपको मिलती है यहां पे, और काफी इलोंगेटेड वे में भी दिए गए हैं। और यहां पे आप जो पियानो इंसर्ट है, सुजुकी एमएक्स की ब्रांडिंग है, वो आप यहां पे देख सकते हो। को ड्राइवर साइड भी आप पूरा लुक ले सकते हैं, और जो सीट की कुशनिंग है वो जरूर शो करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी आपके क्या व्यूज हैं आप शेयर कर सकते हैं। ऊपर आपके जो केबिन लाइट्स हैं आपको डुअल दी गई हैं, और आपका जो सनग्लास होल्डर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा कन्वीनियंस फीचर है। वैनिटी मिरर के लिए चेक करते हैं, तो आपको लिट के साथ वैनिटी मिरर दिया गया है आपके को ड्राइवर साइड। और ड्राइवर साइड चेक करते हैं तो इधर भी आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड कर दिया गया है। दोस्तों फ्रंट का मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया है। फ्रंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। साइड्स में शॉर्ट्स में एक एक स्पेसिफिकेशन आपको इस गाड़ी की देखने को मिल गई होगी, कुछ भी मैंने शायद छोड़ा नहीं है। यहाँ पे जो आप अपनी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है ये देख सकते हो, पूरी सिल्वर फिनिश पे क्रोम बॉर्डिंग के साथ दी गई है। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के सेकंड रो ऑफ सीट्स में, और पीछे बैठकर देखेंगे गाड़ी में पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है। तो लेट्स गो टू द सेकंड रो ऑफ सीट्स नाउ। तो अब दोस्तों आप ऑल न्यू इसुज़ू एमएक्स की जो सेकंड रो ऑफ सीट्स है वो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप जो अपने एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। आपका जो कस्टमर कन्वीनियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपका जो आर्म रेस्ट बोलते हैं, तो ये आपको शो करना चाहूँगा। और आपके जो कप होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये अच्छा कन्वीनियंस फीचर है। पीछे का जो डोर है वो भी आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, तो आपके जो डोर पॉकेट्स हैं, आपकी जो पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, वही जो 4 फिनिश देखने को मिलती हैं आगे डोर्स पे, वही आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई हैं। अब दोस्तों चलते हैं अंदर और अंदर बैठ कर देखते हैं कि कैसा लगता है। तो एक SUV गाड़ी है, तो यहाँ पे मेरी हाइट है 6 फीट। अगर मैं सीट अभी और पीछे कर देता हूँ तो बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से मैं यहाँ पे बैठूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो इसका आप फ्रंट है, जो डैशबोर्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फ्रंट का आपको अच्छे से पूरा लुक मिल जाएगा। एक कंप्लीट आप जो इसका डैशबोर्ड का व्यू है आप ले सकते हैं। पीछे आपके जो AC विंड्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आपकी जो लाइट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके जो कंट्रोलर है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आपका जो AC विंड्स दिए गए हैं उसके लिए। जो हेडरूम है वो भी सुपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एक USB देखने को मिल रही है, तो एक ये अच्छी चीज़ है, कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे एक अच्छे से पूरा आप जो इसका केबिन है, जो सेकंड रो ऑफ सीट है, उसका आप अच्छे से लुक ले सकते हो। ग्रैब हैंडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको वैसे मैंने आपको आगे शो किए थे, तो ये आपके सेफ्टी के लिए होते हैं और ज़रूरी होते हैं। जो इसका डैशबोर्ड का लुक है वो आप यहाँ पे पूरा ले चुके हो। अब दोस्तों जो थर्ड रो ऑफ सीट है उसमें बैठकर देखते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ पाता हूँ कि नहीं बैठ पाता हूँ, तो चलते हैं दोस्तों थर्ड रो में बैठकर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड रो ऑफ सीट है उसमें अंदर चलेंगे, और यहाँ पे अंदर कैसे जाना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पुलर दिया गया इसको आप पुल करिए, और ये आपकी जो सीट है वो फ्री हो जाएगी, ये आप देख रहे हो। अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे वाइड स्पेसेस ओपन हो गई हैं, तो मेरी हाइट मैंने आपको बता ही दी थी आगे, 6 फीट मेरी हाइट है फॉर रेफरेंस। और यहाँ पे जो सीट है उसको वापस से लगा लेते हैं और देखते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ पाता हूँ कि नहीं बैठ पाता हूँ। तो अभी मैंने सीट पूरी पीछे कर ली है, नीज़ यहाँ पे टच कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5'8" 5'9" तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो। बाकी जो आपके हेडरेस्ट हैं ये भी आपको एडजस्टेबल हैं, ये आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। पीछे आपको यहाँ पे मिलती है कन्वीनियंट स्पेसेस, और सीट की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। बाकी जो लोग भी टेस्ट ड्राइव लेते जाएँ और या जो इसको यूज़ कर रहे हैं MUX को, वो अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। पीछे आपके जो AC वेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसका भी लुक ले सकते हो। तो कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए इतनी बड़ी गाड़ी में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने पूरी गाड़ी का अच्छे से लुक दे दिया है, सारे फीचर स्पेसिफिकेशन शेयर कर दिए हैं आपको। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।